Hey business owners, ready to supercharge your success? Today I'm going to share with you an amazing mindset tip जो आपकी business and life को transform करने में मदद करेगा. Not only that, इस video के end में मैं आपको एक ऐसी exercise भी बताऊंगी, impact करवाऊंगी, जो personally मैं खुद भी use करती हूँ उस mindset shift के लिए. और वो एक्सरसाइज आपको भी मदद करेगी इजीली उस माइंडसेट शिफ्ट को अटेन करने में. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा अगर आप वो एक्सरसाइज को जानना चाहते हैं और अपने माइंडसेट शिफ्ट को इजीली अटेन करना चाहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जरा सोचो कि आप अपना एक ड्रीम वेंचर को लॉन्च करने वाले, आप बहुत एक्साइटेड भी हैं और कहीं थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है. पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा. आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है ना, वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे. तो उस ऊपर और नीचे को बैलेंस करने में बस ये जो एक पावर है ना, ये बहुत मदद करती है. ये पावर है पावर ऑफ अडैप्टेबिलिटी. जी हाँ, यानी कि हम कितनी जल्दी उस चेंज को अडैप्ट करते हैं. चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में ये जो चेंज है ना, हर मोमेंट पर आ जाता है. तो हम कितनी जल्दी उस चेंज को अडैप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उस पर ही निर्भर करती है हमारी सफलता, यानी कि हमारी सक्सेस. आइए इसको और थोड़ा गहराइयों से समझते हैं. उस अडैप्टेबिलिटी को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए ना, तीन टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला टिप है बी ओपन टू चेंज. सबसे पहले तो हमें ओपन होना है उस चेंज के लिए. हम अंदर से ही अगर रिजिस्ट करते रहेंगे उस चेंज के लिए कि नहीं, कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते, वो नहीं पाएगा, तो आप कभी भी अडैप्ट नहीं कर पाएंगे. आपका माइंड कभी भी उस सिचुएशन को, उस नए सिनेरियो को अडैप्ट नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जांपल, कोविड के दौरान एकदम से बहुत बड़ा शिफ्ट आया था, ऑफलाइन से ऑनलाइन पर शिफ्ट करना पड़ा था. तो जो लोग इस पर्टिकुलर चेंज को जिन्होंने अडैप्ट किया, वो इजिली इसको कर पाए. लेकिन जिन्होंने इस चेंज को रिजिस्ट करते रहे कि नहीं, कैसे होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा बिजनेस हो ही नहीं पाएगा, और वो कुछ वे आउट ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वो खुद ही रिजिस्ट कर रहे थे, ओपन नहीं थे, इसलिए उनको कुछ वे आउट भी नहीं मिल रहा था. और एज अ रिजल्ट बहुत सेटबैक्स भी हुए और बहुत सुसाइड्स भी हुए. इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी जल्दी किसी पर्टिकुलर चेंज के प्रति ओपन होते हैं. और इस चेंज को ना हमने एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ देखना है, एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन देखना है कि यार ओ अच्छा, अब ये चीज आ रही है, चलो लेट्स सी अब हम इससे कैसे ग्रो कर सकते हैं. चलो वो करते करते हम थोड़ा सा बोर हो गए थे, अब हमें कुछ और मौका मिलेगा कुछ नया इनोवेट करके लाने के अंदर. सो इट मींस वी आर ओपन फॉर दैट चेंज. तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए कितना ओपन है उस चेंज को अडैप्ट करने के लिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप है लर्न फ्रॉम फेलियर. अच्छा मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल में हम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते? हॉस्पिटल में हम डरते हैं कि मॉनिटर पे कहीं स्ट्रेट लाइन ना आ जाए, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का मतलब है पर्सन इज नो मोर. इसीलिए मॉनिटर में जब लाइन अप और डाउन होती है तो हमें इंडिकेट करता है कि दैट आवर पर्सन इज अलाइव और वी आर अलाइव, हम जिंदा है, हमारा पर्सन जो है नियर एंड डियर वंस जो है वो जिंदा है. लेकिन बिजनेस में हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है ना, वैसे स्मूथ चले, जो होने नहीं वाला है. बिजनेस में भी अप एंड डाउन इंडिकेट करता है कि हमारा बिजनेस जिंदा है. लेकिन इम्पोर्टेंट इज उस अप एंड डाउन को हम कितना ग्रेसफुली ले रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए फेलियर एंड नहीं है आपके बिजनेस का, इनफैक्ट वो एक नई शुरुआत है. हमने उस फेलियर से सीखना है, एक लर्निंग लेनी है कि ये जो फेलियर हुआ, ये मुझे किस वजह से हुआ, इसका क्या कारण था, और उस लर्निंग को लेना है और आपने आगे बढ़ना है. इनफैक्ट वो जो फेलियर है वो एक फ्यूल की तरह काम करेगा आपकी आगे की ग्रोथ के लिए. तो इसीलिए लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स. थर्ड इम्पोर्टेंट टिप है कल्टिवेट रेजिलियंस. अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमारी जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है ना, वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे. एंड रेजिलियंस हमारी सुपर पावर, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि हम कितनी बार गिर रहे हैं, ये मैटर करता है कि हम गिर कर कितनी जल्दी उठ रहे हैं. दैट इज वॉट इज रेजिलियंस. ओके, नाउ लेट्स गिव अ क्विक रिकैप. अब तक हम समझ चुके हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो अलाइव करता है किस पर? पावर ऑफ अडैप्टेबिलिटी पर. और पावर ऑफ अडैप्टेबिलिटी के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला, बी ओपन टू चेंज. जितनी जल्दी आप उस चेंज के प्रति ओपन होंगे, उतनी जल्दी आप वे आउट ढूंढ पाएंगे उस सिनेरियो को डील करने का. सेकंड, लर्न फ्रॉम फेलियर्स. तो जो भी हमारे फेलियर्स हुए हैं, उसमें से हमने लर्न करना है और आगे बढ़ना है. एंड द थर्ड इज रेजिलियंस, यानी कितनी जल्दी हम उस सिनेरियो से, उस सेटबैक से
बाउंस बैक कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये तीन टिप्स थे जो आपने फॉलो करने हैं। अब बारी आती है उस एक्सरसाइज की जो पर्सनली मैं भी करती हूँ, जिससे मुझे बहुत आसानी होती है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को इजीली अडैप्ट करने में या किसी डिफिकल्ट पर्सन को इजीली अडैप्ट करने में। अब वो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आई यू एक्साइटेड फॉर दैट? मैं तो बहुत। चलिए आइए इस एक्सरसाइज को सीखते हैं। ये एक सिंपल 3-स्टेप प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऐसे खड़े होना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे समर्पण पे रखना है, ठीक है। इसमें दोनों हाथ की जो पाम फेसिंग अपर डायरेक्शन में होंगी, फिंगर्स ऐसे लूज एंड रिलैक्स्ड होंगे और आपने ऐसे अपनी पोजीशन को लेना है। ऑलराइट, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हेड टू जॉ तक के अपने सारे फेशियल मसल्स को टाइटन करना है। उस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए, जो सिचुएशन आपको डिफिकल्ट हो रहा है अडाप्ट करने में, उस सिचुएशन को आपने इमेजिन करना है। और उसके बाद उसको इमेजिन करते हुए आपने ऐसे पूरे अपने हेड से जॉ तक के सारे फेशियल मसल्स को टाइटन कर देना है, लाइक दिस। देन लूज एंड रिलैक्स, फिर लिप लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, As if you are half smiling, और आपके चेहरे पे एक calmness, एक पीस आप फील कर पाएंगे। और अब एक गहरा लंबा श्वास करेंगे, होल्ड करेंगे और रेनर एक बार फिर गहरा लंबा श्वास, होल्ड, ट्रेनर। आइए एक बार दोबारा से इस टेक्निक को फुल सारे स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऐसे अपना पोस्चर लेना है, हथेलियों का रूप ऊपर की होगा, पाम जो है वो फेसिंग अपर डायरेक्शन में, फिंगर्स लूज एंड रिलैक्स्ड होंगी, ऐसे कि आप समर्पण भाव में खड़े हैं। और इसके बाद आपको जो भी सिचुएशन डिफिकल्ट लग रही है अडाप्ट करने में, आपने उस सिचुएशन को या कोई पर्सन भी हो सकता है, उस पर्सन को आप इमेजिन करते हुए आप अपने पूरे हेड से जॉ तक के सारी फेशियल मसल्स को टाइटन करेंगे, पूरा टाइटन कर लेंगे। और उसके बाद आप उसको लूज करेंगे और फिर लिप लाइन को अपर डायरेक्शन में लेकर जाएगी, जैसे कि आप हाफ स्माइल कर रहे हैं, जो मन मन मुस्कुराते हैं ना, वो हमने करना है। और उसके बाद हमने गहरा लंबा श्वास लेना है, होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है। अगेन गहरा लंबा श्वास लेना है, होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है, ठीक है। अब एक बार आप मुझे दोबारा इस पूरे प्रोसेस को करते हुए देखिएगा। इस टेक्निक के सारे स्टेप्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखे हैं। आप आराम से इसकी डिस्क्रिप्शन में सारे स्टेप्स को समझिएगा और इस पर्टिकुलर टेक्निक को आपने 4 से 5 बार दिन में करना है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को इमेजिन करते हुए। और ये टेक्निक आपने तब तक दोहराते रहनी है, मीन्स डेली आपने तब तक करते रहना है जब तक कि आप उस पर्टिकुलर चेंज, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को इजीली अडाप्ट नहीं कर लेते, तब तक आपने इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। अब तक आप उस माइंडसेट के लिए पावर ऑफ अडैप्टेबिलिटी को समझ चुके हैं और इस पावर ऑफ अडैप्टेबिलिटी को हम प्रैक्टिकली कैसे अटेन कर सकते हैं उसकी भी टेक्निक आप समझ चुके हैं। और अब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की। जी हाँ, अब आपने फटाफट से इस वीडियो के बाद जाना है और उस पर्टिकुलर टेक्निक को ट्राई करना है। और जो भी इवेंट या जो भी सिचुएशन या जो भी पर्सन जिसको अभी तक आप अडाप्ट नहीं कर पाए हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपने इस टेक्निक को अप्लाई करना है। तो फटाफट से यस टाइप करें अगर तुरंत ही आप इस वीडियो के बाद उस टेक्निक को अप्लाई करने वाले हैं और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। तो फटाफट से यस टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें, ताकि हम ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर पाए, जिससे आपकी गेम जो है वो लेवल अप हो पाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।